प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। आप सभी को बहुत 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 बधाई हो, क्योंकि इलेक्शन हो गए और एक बार फिर हमारे चहेते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अब तांडव होने वाला है और देखना अब आने वाले दिनों में कैसे कैसे हालात होंगे और मसीह लोगों के क्या हालात होंगे, इस संसार के क्या हालात होंगे, तो वो सब जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में लगातार बने रहो। चलो एक बात बताओ, पिछले संडे क्या सीखे थे? अपनी कॉपी रख दो नीचे, मैं जिसको बोलूँगा वो बोलो। चलो उंगली उठाओ, कौन बोलेगा पिछले संडे वो क्या सीखे थे? किसी को नहीं मालूम पिछले संडे क्या सीखे थे। मोदी जी आ गए तीसरी बार, आज वो शपथ लेने वाले, कितने बजे है मालूम नहीं मुझे, लेकिन कल मेरे सुनने में आया कि आज वो तीसरी बार शपथ लेने वाले। दो बार बहुत अच्छे से जीते, पहली बार जीते काफ़ी सीटें मिल गए उनको, दूसरी बार उससे भी ज़्यादा सीटें मिली और तीसरी बार बहुत कम सीटें मिली। और बड़ी मुश्किल से देखने जाओ तो मोदी जी वो जीत कर आए हैं, लेकिन ये सारी बातें जो है वो सिर्फ हमको दिखाई देती है, या तो हमको दिखाई जाती है और आप लोग जो देखते हो उसी को सच मानते हो। मीडिया वाले जितना भी बोलते हो वो है नहीं, और जो है वो मीडिया वाले कभी बोलते नहीं। सभी को कंट्रोल किया गया होता है। इस बार भारत देश में चुनाव से पहले हमारे जो प्रधानमंत्री थे और अभी भी है नरेंद्र मोदी जी, उनका विरोध बहुत था और विरोध इतना था पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक। विरोध इतना था कि बहुमत की तो बात छोड़ो, उनको सीट भी ना मिलती, इतना विरोध था। और अगर इतने विरोध में जो उनका नारा था कि 400 के पार, मतलब अब की बार 400 से ज़्यादा सीट लेकर आएंगे, अगर वो लेकर आते 400 के पार सीट हो जाती तो हमारे भारत में बवाल हो जाता, कई जगह पर दंगे फसाद हो जाते कि इतनी सीटें तो नहीं मिलनी चाहिए, कुछ गड़बड़ी है ईवीएम में। और इसलिए ऐसा हुआ और इसलिए सुबह से लेकर दोपहर तक मीडिया वालों ने बस यही बताया, खींचातानी है और हो सकता है कांग्रेस आ जाए, मोदी जाने वाले हैं, मोदी ने महंगाई के ऊपर ध्यान नहीं दिया, मोदी ने ये नहीं किया, मोदी ने वो नहीं किया, अभी सब कुछ मोदी का निकल रहा है, ऐसे ऐसे बोलते रहे। और दोपहर के बाद फिर गेम उल्टी हो गई और नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर बहुमत में आ गए, आज शपथ भी लेंगे वो। ये इनको कोई कंट्रोल करता है। पूरे वर्ल्ड में तकरीबन 200 देश है, ये 200 देश की जो गवर्नमेंट है वो सभी गवर्नमेंट को कोई कंट्रोल करता है, लेकिन फिर भी पब्लिक के पास जो पावर है वो पावर कंट्रोल करने वालों के पास नहीं है, क्योंकि जो लोग कंट्रोल करते हैं उनके पास पैसे है लेकिन गिनती में कम है। और अगर पब्लिक देखो तो गिनती में बहुत ज़्यादा है। अगर आज भी पूरी इंडिया की पब्लिक अगर खुलकर बाहर आ जाए, ईवीएम को हमारे पास लेकर आओ और पोस्ट से भी जो मतदान हुआ है वो भी हमको दिखाओ, हम गिनती करेंगे, चलो हम देखेंगे अगर पूरी इंडिया की पब्लिक ऐसे बाहर आती है तो उनको ये सब कुछ दिखाना पड़ेगा।
और रिजल्ट कुछ और होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, पब्लिक इस तरह से बाहर आ नहीं पा रही। लेकिन सभी देशों को, 200 देशों को कंट्रोल करने वाला उनके ऊपर कोई है और वो लोग चाहते हैं वही गवर्नमेंट वो देश में आती है। चाहे पूरी इंडिया की पब्लिक अगर वोटिंग करने के लिए ना भी जाए तो भी उनको जिसको जिताना है उनको जिताएंगे, और चाहे पूरी पब्लिक किसी एक को ही वोट दे या सारी पब्लिक को नाटो बोलते उसको अगर वोट दे तो भी उन लोगों को जिसको जिताना है उसको जिताएंगे। हमारा वोट कोई मायने नहीं रखता, इनको कंट्रोल करने वाले कोई लोग है। लेकिन लोगों को ये बात याद नहीं रहती, और लोग जो मीडिया में देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, फिर वही बात करते ऐसा हुआ, मोदी नहीं आने वाले थे लेकिन चलो आ गए, बहुत मुश्किल से आ गए, ये है वो है, सब खुश भी हो गए। अगर 400 के पार हो जाते तो दंगे फसाद होते, वो ना हो इसलिए ऐसे ऐसे न्यूज़ फैलाए कि मोदी के आने की संभावना नहीं है, और फिर अचानक से मोदी की संभावना वो बताई गई और मोदी वो अभी गए। ये सारी परिस्थितियाँ जो है वो बनाई जाती है और लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं। हमारा जो बिजली का बिल आता है और कई लोग उसको भरने के लिए जाते हैं, कई लोग ऑनलाइन करते हैं, लेकिन अभी उसका भी कानून आने वाला है, हो सकता है अगले महीने तक आ जाए कि 1000 से ज़्यादा अगर आपका बिजली का बिल है तो कैश नहीं ली जाएगी। 1000 से ज़्यादा होगा तो आपको ऑनलाइन ही बिल भरना पड़ेगा, चाहे आपके पास ऑनलाइन की सुविधा है या नहीं है। लेकिन 1000 से ज़्यादा बिल है, अभी किसका 1000 से कम आता है? 1000 से कम तो ज़्यादातर आता ही नहीं किसी का। तो अभी ये कैशलेस होता जा रहा है, कैश मत रखो। आज जो मैं बताने के लिए जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना समझना, और घर पर जाकर एक बार फिर इस बात का चिंतन करना, मनन करना कि सही में इस दुनिया में हो क्या रहा है, क्यों ये कैशलेस, मतलब कैश क्यों ये लोग चाह रहे हैं कि कैश कम हो जाए, कैश ट्रांजैक्शन कम हो जाए, लेन देन कम हो जाए, और क्यों लोग ऐसा चाहते कि ऑनलाइन पेमेंट वो होता रहे और लोग ऑनलाइन पर चले जाए। मैंने पहले एक बार बताया था कि आपके जेब में चाहे कितने भी रुपये की नोट हो, अभी चालू मैसेज में आप निकाल कर देख भी सकते हो उसको, उसके ऊपर जो RBI का गवर्नर होता है उसकी साइन रहती है, सिग्नेचर रहता है, और सिग्नेचर से पहले वो कुछ वादा करता है, और वादा ऐसा होता है अगर 100 रुपये की नोट है तो उसके ऊपर ऐसा लिखा होता है कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, और फिर नीचे वो सिग्नेचर करता है, मतलब जिम्मेदारी लेता है कि मैं धारक को 100 रुपये दूंगा। मतलब आपके पास जो नोट है वो 100 रुपये नहीं है, आपके पास जो रुपये है वो 500 रुपये नहीं है, आपके पास जो है ना उसकी रिसिप्ट है, ये कागज़ है, ये रिसिप्ट है, ये पैसा नहीं, ये रुपया नहीं है, चाहे आप उसको रुपया बोलो लेकिन ये रुपया नहीं है। और बरसों पहले जो लोग पढ़ चुके हैं उनको मालूम है कि बरसों पहले पैसे नहीं थे, तो पैसे नहीं थे तो लोग लेनदेन कैसे करते थे कि चलो किसी को घोड़ा चाहिए तो घोड़े वाले के पास जाएंगे कि भाई साहब घोड़ा उनको चाहिए, तेरे पास क्या है? बोलेंगे मेरे पास बकरे हैं। ठीक है चल 5 बकरे दे दे, मैं तुझे एक घोड़ा दे देता हूँ। इस तरह से लेन देन होती थी। लेकिन मुश्किल कब आती थी? जब किसी के पास घोड़ा हो और उसको पेन खरीदना हो। अरे कहाँ घोड़ा कहाँ पेन, तो ऐसी बातों में लेन देन कैसे करेगी? तो लेन देन में काफ़ी मुश्किल आती थी। फिर अगर घोड़े के बदले में अगर बकरे लेने हैं तो अगर उसको बकरे की ज़रूरत तो ही लेगा वो, तो नहीं होगी तो लेगा नहीं, फिर उसको दूसरा घोड़ा वाला ढूंढना पड़ेगा जिसको बकरे की ज़रूरत है। तो ये जो मुश्किल आती थी उसका हल उन लोगों ने निकाला, और हल निकाल कर उन लोगों ने पैसा ढूंढ निकाला। तो उस वक्त जो सुनार लोग होते हैं, सोने लोग, उनके पास लोग जाते थे और उनके पास सोना रखते थे, और सोना रखते थे तो वो लोग एक कागज़ के ऊपर सिग्नेचर करके उसको दे देते थे कि तेरा इतना सोना, 1 तोला 2 तोला 3 तोला जो भी एक मेरे पास जमा रखे, ऐसे कागज़ का टुकड़ा उसको बनाकर दे देते थे। अभी क्या होता था कि जिसको बाहर कुछ खरीदी करनी है वो कागज़ लेकर जाता था,
और उसके ऊपर सुनार के साइन रहते थे, तो वो बदले में उसको जो भी चाहे वो दे देता था कि उसको मालूम है कि इसके पास इतना सोना है, और वो रिसिप्ट अभी उसके पास चली जाती थी। तो ये लेन देन लोगों को पसंद आने लगी। फिर लोगों ने देखा कि सोनी लोगों ने देखा कि वापस सोना लेने के लिए तो कोई आ ही नहीं रहा है, तो फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट की निगाह पड़ी कि ये अच्छी बात है। तो गवर्नमेंट ने ये सिस्टम निकाला और जिसको हम आज रुपया बोलते हैं, पैसा बोलते हैं ना, वो बन गया। तो जब भी हमारे पैसे छपते हैं तो छपने से पहले जितने रुपये छापने होते उतना पहले सोना रिजर्व बैंक में रखना पड़ता है। अगर 1 करोड़ की नोट छापनी है तो पहले 1 करोड़ का सोना वहाँ पर जमा किया जाता है, उसके बाद 1 करोड़ की करेंसी जो है उसका छाप काम होगा। अभी समझ लो कि ये सब कुछ हो क्या रहा है, और आप समझ लेना कि ये कैशलेस जो है वो कैसी चीज़ है और उससे क्या होता है। तो अभी समझ लो कि इंडिया ने, मैं सिर्फ एग्ज़ाम्पल बताता हूँ इसलिए मैं बहुत लंबी गिनती में नहीं जाऊँगा, अरबों रुपये में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं शुरुआत करता हूँ 1000 रुपये से। समझ लो कि इंडिया को 1000 रुपये की करेंसी बनानी है, 100-100 की 10 नोट बनानी, तो उनको क्या करना पड़ेगा, RBI में पहले सोना रखना पड़ेगा 1000 का। अभी 1000 रुपये उन लोगों ने छाप लिए। अभी समझ लो कि आपके पास वो 1000 रुपये आए, आपको लेने थे, आपको लोन चाहिए थी, आप बैंक में गए और बैंक ने आपको 1000 रुपये लोन दे दी। अभी समझ लो कि आप वो 1000 रुपये जाकर अपनी बैंक में उसको डिपॉजिट करते हो, आपने 1000 रुपये जमा करवाए, गवर्नमेंट ने कितनी नोट छापी है, 1000 की, 1000 का सोना वहाँ पर जमा है, आपने 1000 रुपये जाकर अपने बैंक में जमा करवाए अपनी बैंक में। अभी बैंक आपको ब्याज देगा 2%, 5%, 6% जो भी, एक साल के बाद वो आपको ब्याज देंगे, लेकिन ब्याज कब देंगे, वो भी तो कमाई करेंगे ना, तो वो लोग क्या करेंगे, जितना परसेंटेज आपको देंगे उससे ज़्यादा परसेंट में वो किसी को लोन देंगे। अभी जो गवर्नमेंट का कानून है उसके हिसाब से बैंक को पहले 10% अपने पास रखना पड़ेगा, तो 1000 का 10% मतलब 100 रुपये अपने पास रखेंगे, वो लोग 900 की लोन दे देंगे। अभी समझ लो विलास भाई ने जमा करवाए 1000 रुपये और विनोद भाई ने दूसरी बैंक से या उस बैंक से 900 रुपये उन्होंने ले ली, लोन ले ली, अभी उनके पास 900 रुपये है। अभी विलास भाई को इतना मालूम है कि बैंक में मेरे कितने जमा है, 1000 रुपये के, और विनोद भाई को ये मालूम है मैंने लोन ली है 900 रुपये की। अभी ये किसी और बैंक में जाकर वहाँ पर डिपॉजिट करवाते 900 रुपये के, उनमें से 10% मतलब 90 रुपये वो बैंक अपने पास रखेगी, आपको ब्याज देना है तो भी आगे किसी को लोन देगी, तो 10% अपने पास रखेगी तो 810 रुपये बचे। अभी 810 रुपये वो किसी और को लोन देंगे, चलो मार्टिन भाई ने 810 रुपये ले लिए। अभी ध्यान से समझना, विनोद भाई को इतना मालूम है कि 900 रुपये मेरे बैंक में जमा है और विलास भाई को मालूम है मेरे 1000 रुपये जमा है। अभी मार्टिन भाई ने भी किसी बैंक में 810 जमा कर दी। अभी मैं आगे लोन के चक्कर में नहीं जाता, मैं 3 लोगों की बात करता हूँ, एक को मालूम है मेरे 1000 रुपये जमा, एक को मालूम है मेरे 900 रुपये जमा, तीसरे को मालूम है मेरे 810 रुपये जमा, कितने हुए टोटल, 1900 और 810 कितने हुए, 2710। अभी कैश कितनी है, 1000। 3 लोग क्या समझते, एक समझता है मेरे पास 1000 है, एक समझता है मेरे पास 900 रुपये, एक समझता है मेरे पास 810 है। अगर समझ लो गलती से 3 लोग एक साथ में बैंक में चले गए, 810 दे दो, 900 दे दो, 1000 दे दो, बैंक दे पाएगी, टोटल करेंसी कितनी है, सिर्फ 1000 रुपये। अभी सोचो सिर्फ 3 में, और भी मैंने 1000 से शुरू किया तो 1710 रुपये और बढ़ गए, तो पूरी आबादी देख लो इंडिया की कितने रुपये बढ़ गए होंगे आज तक, सोना कितना पड़ा होगा,
समझे। आज जितने लोगों के पास जितने पैसे बैंक में है, अगर सारे के सारे बैंक में चले जाए ना, बैंक वाले दे नहीं सकते आपको। इतनी करेंसी है ही नहीं, अब इतनी करेंसी नहीं है तो नई करेंसी छापने के लिए और सोना चाहिए। कितना सोना लाएंगे, कहाँ से लाएंगे, कितनी नोट छापेंगे? तो इसका हल क्या है? बोले कैशलेस करो। समझ में आ रही बात? करेंसी निकालो धीरे धीरे। अभी आपके पास करेंसी नहीं है, कैशलेस हो रहा है। बस आपको अपने मोबाइल से इतना पता चलता है कि आपके मोबाइल में पैसे हैं, बैंक में पैसे हैं, कितने पैसे हो आपको मोबाइल से पता चलता है, लेकिन बैंक में इतने पैसे पड़े हैं कि नहीं पड़े वो नहीं मालूम। सभी को समझ में आ रहा है ना कि जितनी कैश होनी चाहिए ना इतनी तो छपकर बना ही नहीं है, बना भी नहीं सकते। ऐसे हम तो 140 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, तो सोचो ये करेंसी अगर सभी लोग लेने के लिए जाएंगे तो सरकार कैसे देंगी सभी लोगों को। और इसलिए इन लोगों ने ये रास्ता निकाला कि अभी कैशलेस करते हैं। अभी समझो कि आपके पास अगर नोट है, करेंसी है आपके जेब में, तो उसके ऊपर तो लिखा है कि मैं ग्राहक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, तो वो तो 100 रुपये है नहीं। तो 100 रुपये क्या था? जो सोना जमा करवाए वो रुपये है, मैं सोना सोना नहीं, सोना ही रुपया है। अगर आप 100 रुपये लेकर वहाँ पर जाते हो कि भाई मुझे रुपया दो, तो क्या देना पड़ेगा उनको? सोना देना पड़ेगा बदले में आपको। लेकिन अब आपके पास कैश है ही नहीं, कैशलेस है, वहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं, सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी चली गई, आपके पास कुछ लिखा हुआ नहीं कि भाई मैं घर को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। समझ लो आपके बैंक में 2 लाख है, 5 लाख है, लेकिन कैश में आपके पास कुछ नहीं। आपका मोबाइल बता रहा है कि आपके पास 2 लाख रुपये, लेकिन सबूत क्या है आपके पास 2 लाख रुपये? कहाँ पर लिखा है ऐसा कि मैं ग्राहक को 2 लाख रुपये देने का वचन देता हूँ? चाहे आपके पास है, कैसे निकालोगे? कल जाकर अगर बैंक में कुछ गड़बड़ी होती है, इंटरनेट चला जाएगा और कुछ 0-0 हो जाता है, ऐसा कुछ भी गड़बड़ी होती है, आप करोगे क्या? समझ में आ रही बात? कैशलेस कितना बड़ा जोखिम है, बहुत बड़ा जोखिम है। हमको ऐसा लगता है हमारी सुविधा है, हमारी सुविधा है, लेकिन कल उठ के आपके पास कुछ भी नहीं रहने वाला। क्यों फेसबुक का जो CEO है, क्यों अमेज़ॉन का जो मालिक है, उन लोगों ने अपना माल बेचकर क्यों कैश कर लिया? क्यों उन लोगों ने पूरा अरबों रुपया का कैश निकाल कर अपने घर में रख दिया? गूगल पर जाकर सर्च मारना, सब कुछ लिखा हुआ है। इन लोगों ने ऐसा किया, क्यों किया इन लोगों ने ऐसा? इनको मालूम है कैशलेस होता जा रहा है, सोना कम है, और सोना अभी ये लोग जमा करवा नहीं सकते, करेंसी निकाल नहीं सकते, बना नहीं सकते, तो आज नहीं तो कल हमारे पैसे डूबने वाले, इससे अच्छा है बैंक से निकालो, घर में रखो बस। इतने बड़े बड़े लोगों ने अरबों रुपये अपने घर में लाकर रख दिए, ये सब लोग जानते हैं। इन लोगों ने छुप कर ये काम नहीं किया, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन आज के विश्वासी ये सारी बातें समझ नहीं पा रहे कि क्या ऐसा होगा, क्या सही में बैंक में गड़बड़ी हो सकती है, क्या बैंक बंद हो सकते होंगे ना जब उनके पास कैश नहीं रहेगा। जितनी मार्केट में दिखाई देती है, लोगों के मोबाइल में जितनी दिखाई, इतनी है ही नहीं, तो आने वाले दिनों में देंगे कैसे? तो कुछ तो गड़बड़ी है, कुछ तो करना पड़ेगा। और मालूम है ये कैशलेस जो है ना, वो नरेंद्र मोदी जी के जरिए ये काम हमारे इंडिया में शुरू हुआ, और सबसे ज़्यादा कैशलेस हमारे इंडिया में चला। आज सभी लोग देखना, मैं एक बार कुछ लेने के लिए गया था, कोई इंसान आया था, मालूम है 20 रुपये का उसने कुछ दही लिया और उसने तुरंत वो स्कैन कोड किया और 20 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। मुझे हंसी आई, हंसी इसलिए आई, 20 रुपये भी कैश नहीं दिया इसने, 20 रुपये में
होता है, चलो 1500 2000 5000 वो कैशलेस करे तो ठीक है, कुछ वक्त पहले की बात करता हूँ, आज मैं खुद भी कर रहा हूँ, 10 रुपये भी कर देता हूँ कैशलेस, क्या जेब से निकालना क्या उसको देना। चलो ये सब कुछ हो रहा है, सबसे ज़्यादा हमारे भारत में और मोदी जी के जरिए ये भारत में इसकी शुरुआत हुई। भारत में एक कौम है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, एम क्लास, आप समझ जाना एम क्लास मतलब कौन लोग, क्या वो लोग भारत में सेफ है, क्या उनको इस भारत में सेफ्टी नज़र आती है, उनके विरोध में कई लोग प्रचार करते हैं, कई लोग बहुत कुछ बोलते हैं, चलो उनको छोड़ो, क्या भारत देश में हम सेफ है, क्या हमारे लोगों पर हमला नहीं हो रहा है, क्या चर जलाए नहीं जा रहे, क्या मसीह लोगों को सताया नहीं जा रहा है। आप कभी अपने घर के बाहर रास्ता रोक कर तंबू गाड़ कर क्या मीटिंग कर सकते हो, दूसरे कर सकते हैं ऐसा, आप मसीह होने के नाते क्या ऐसा कर सकते हो। अरे वो तो छोड़ो, आपके शहर में अगर ग्राउंड है वहाँ पर भी आप मीटिंग नहीं कर सकते जाहिर में, उसकी भी परमिशन नहीं मिल रही हमको, और ये सब कुछ आज हो रहा है, जो है उसको मीडिया दिखा नहीं रही और जो नहीं है उसको मीडिया दिखा रही है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, नई वैश्विक व्यवस्था, कई बार हम उसके बारे में बात कर चुके हैं, जो बाइडेन ने भी अमेरिका में लोगों के बीच में बोल दिया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, नरेंद्र मोदी ने तो जाहिर में संसद में एक बार नहीं दो बार नहीं मालूम ने कितनी बार बोल दिया कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, कौन उसको शुरू करेगा वो तो वक्त बताएगा, और बहुत स्पष्ट उन्होंने बोला ये होगा ही होगा, ये होने वाला है, उस वक्त हम भारत क्या करेंगे, हम भारतवासी को क्या करना है, क्या हम उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को ऐसे ही देखते रहे कहीं पर सेट हो जाए, या इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में हम अपना कुछ बनाए कुछ करें। तो मोदी जी के ऊपर ये सारी बातों की बहुत जिम्मेदारी है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में उनका कोई खास रोल है जो आज हमको नहीं दिखाई देता लेकिन है, कानून बन चुका है, घर घर की मीटिंग वो गैर कानूनी है, बस कभी भी अभी जाहिर कर देंगे, आज शपथ है, उसके बाद में कभी भी धीरे धीरे हमको ये बात पता चल जाएगी कि हम घर घर में मीटिंग नहीं कर सकते। अभी चलो समझ लो, ऐसा मान लो कि मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं फिर भी घर में जाकर मीटिंग करूँ, लेकिन जिसका घर उनको भी तो हिम्मत होनी चाहिए, हाँ करो मेरे घर में जो होगा देखा जाएगा, अगर वो बोलते तो मैं भी सोच में पड़ जाऊँ कहीं मुझे फंसाने का तो इरादा नहीं है। ये हो रहा है सब कुछ, और आने वाले दिनों में ये सब कुछ पता चल जाएगा। जो रोमन कैथोलिक कलीसिया है उनका जो सबसे बड़ा हेड है पोप, उन्होंने एक बार नहीं कई बार जाहिर किया कि यीशु मसीह नहीं है, और उन्होंने जो बलिदान दिया वो शांति के लिए दिया, बाइबल में लिखा है भी है कि हमको शांति मिले इसलिए प्रभु यीशु को ताड़ना पड़े, लेकिन वो शांति कहाँ मिली हमको, इसलिए प्रभु यीशु की कुर्बानी उनका जो बलिदान है वो तो फेल हो गया। और ये प्रोग्राम किसने बनाया था, योजना किसने बनाई थी, परमेश्वर ने बनाई थी, तो बोला परमेश्वर की योजना भी फेल है, मतलब परमेश्वर ही फेल है। तो जब परमेश्वर फेल है उनका मसीहा फेल है, तो हमको तो परमेश्वर चाहिए, हमको तो मसीहा चाहिए, और जब परमेश्वर फेल मसीहा मतलब प्रभु यीशु फेल, तो फिर ये बाइबल भी तो फेल है, फिर बाइबल उनका ही लिखा हुआ है, स्पष्ट मना कर रहा है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बाइबल भी नहीं चाहिए, यीशु भी नहीं चाहिए, और पिता परमेश्वर भी नहीं चाहिए, सब कुछ फेल है, और इसलिए नया बाइबल बनाने का ऑर्डर हो चुका है। लेकिन हमारे पास जब बात आती है ना तब शुरुआत नहीं होती, सब कुछ हो गया होता है, नया बाइबल बन गया और बाइबल का नाम है QJV, क्वीन जेम्स वर्जन, पहले आता था किंग जेम्स वर्जन और अभी आ गया क्वीन जेम्स वर्जन, और उसमें लड़की लड़की शादी कर साथ में रह सकती है, कोई गुनाह नहीं है कोई पाप नहीं, लड़के लड़के शादी कर एक साथ में रह सकते हैं कोई गुनाह नहीं कोई पाप नहीं,
लड़की लड़के के कपड़े पहन सकती है और लड़का लड़की के कपड़े पहन सकता है। इन शॉर्ट हमारे बाइबल में जो लिखा है उसका सारा विरोध कर दिया है और उस सभी को बता दिया कि ये सब कुछ जायज है, ये सब कुछ इंसान कर सकता है, उसको पूरी आज़ादी है। और आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी जी ने ये चुनाव से पहले ही बता दिया था कि तीसरी बार मैं आऊँगा तो पाकिस्तान और चाइना से हमारी वॉर होगी। और देखना आने वाले दिनों में पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ हमारी वॉर होगी। और जब युद्ध होगा तो पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, उसको कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि बड़े बड़े सब तो एक दूसरे से मिले हुए हैं। ये सिर्फ प्रजा को मारने के लिए होता है। युद्ध भी होगा, युद्ध होगा तो ऐसी परिस्थिति में हम बाहर नहीं निकल सकते। और जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको भी बंद कर दिया जाएगा, उसके कारण महंगाई बढ़ेगी कि भाई साहब इधर चावल नहीं आ रहे, इधर गेहूँ नहीं आ रहे, इसलिए अभी उसका रेट बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। ये सब कुछ अभी बहुत जल्द होगा। वायरस आ रहा है H5N1 की मैंने बात की थी, और भी मालूम नहीं कितने कितने वायरस आएंगे और बीमारियां फैलेगी, लाशों के ढेर लगेंगे और बहुत कुछ होने वाला है। क्यों बड़े बड़े लोगों ने, चाहे अंबानी हो, अदानी हो, बाइडेन हो, ट्रंप हो, या तो फिर अमेज़न का मालिक हो, फेसबुक का मालिक हो, उन सब के बारे में पढ़ना कभी। इन लोगों ने बंकर बना कर रखे, और बंकर मतलब ज़मीन के अंदर घर, इतना आलीशान घर बना कर रखा है उन लोगों ने, नीचे सारी सुविधाएं, लेकिन ज़मीन के अंदर रहने की क्या ज़रूरत है। उनको ऐसी कौन सी बातें मालूम जिसके कारण वो लोग नीचे रहना चाहते, क्योंकि उनको मालूम है वायरस आने वाला है, कहीं हम उसमें ना फंस जाए, इसलिए पहले से उसमें चले जाओ, कैश लेकर वहाँ चले जाओ। और ये सब कुछ हो रहा है। और इस बार अंदाज़ा है कि अगर बीमारी फैल गई और लॉकडाउन लगा तो वो लॉकडाउन कम से कम एक साल का होगा। 3 साल तक का अंदाज़ा है कि लॉकडाउन 3 साल तक चल सकता है, लेकिन होगा तो 1 साल का तो पक्का होगा। एक क्या ये सब बड़े बड़े लोग पागल है जो कैश लेकर अपने घर में छुपा रहे? क्या बड़े बड़े लोग पागल है जो अपने लिए बंकर बना रहे? और बंकर बनाने का सबसे बड़ा काम अगर इंडिया में कोई कर रहा है तो मालूम अदानी की कंपनी कर रही है। सिर्फ हमारे भारत में 10,000 से ज़्यादा बंकर बन चुके हैं। मालूम कितने पैसे वालों ने वो बंकर बना कर रखा है। ये बड़े बड़े लोगों को सब कुछ मालूम है, वो लोग सब कुछ कर रहे हैं, बस उनको पता कैसे चलता है और वो लोग ऐसे काम कैसे करते हैं। हमारे मोदी जी तकरीबन दुनिया के सारे देश घूम कर आए, वो सऊदी अरेबिया भी गए। और जब सऊदी अरेबिया की मैं बात करता हूँ तो सऊदी अरेबिया मतलब वो देश है जो मुस्लिम लोगों का सबसे बड़ा देश माना जाता है। और वहाँ का जो राजा है बिन सलमान, उन्होंने कभी मोदी को ये नहीं बोला कि आप अपने देश में ये मुसलमानों को परेशान क्यों कर रहे हो। ट्रंप थे तब भी मोदी जी जाते थे अमेरिका, बाइडेन के वक्त भी गए, लेकिन ना कभी ट्रंप ने बोला ना कभी बाइडेन ने बोला कि आपके वहाँ मसीह लोगों को क्यों परेशान किया जाता है। इसका मतलब क्या समझे हम लोग? इन लोगों को सही में धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं है, इनको किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं। ये बड़े बड़े लोग जो है वो किसी भी धर्म को नहीं मानते, वो किसी भी धर्म को नहीं मानते, लेकिन ये लोग जिसको मानते हैं वो बाइबल में ही एक देवता का नाम है बाल, और ये लोग जिसको मानते हैं वो बाल को मानते हैं। और बाल को मानने वाले बाइबल में जो थे, एक थी इजेबेल और उसका पति आहाब, ये दोनों बाइबल में उस बाल को मानते थे। और इन लोगों ने जो बाल के पीछे चलते थे, उन लोगों ने जो सिखाया था वो सिखाया था व्यभिचार, मूर्ति पूजा और चढ़ाया हुआ खाना, ये सब कुछ इन लोगों ने
सिखाया था। अभी ये जो आज बड़े बड़े लोग हैं वो सभी लोग बाइबल को जानते हैं और उनको बाइबल से ये मालूम है कि हमारी लड़ाई एक दिन प्रभु यीशु से होगी और इसलिए वो लोग प्रभु यीशु से लड़ाई करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। शैतान अपनी आर्मी जो है वो बना रहा है। और पिछले दिनों में एक पंजाबी सिंगर था मूसा, उसका नाम क्या था, सिद्धू मूसा वाले हैं, मूसे वाला। अभी ये जो सिंगर था उससे मरने से पहले गाना गाया और गाने में सारी बातें बता दी कि मैं एक बार जाता हूँगा, ऐसे कार से जाता हूँगा, ये रास्ते से जाता हूँगा, इस जगह पर मुझे मार दिया जाएगा, मुझे यहाँ पर गोली लगेगी। और ऐसा ही हुआ उसके साथ। तो उसे गाना किस तरह से बनाया, ऐसा क्या कोई खुद के मरने का गाना बनाता है, उसने ऐसा गाना क्यों बनाया। सभी को ऐसा लगा कि इसका मर्डर हो गया और आज तक मालूम लोग पकड़े नहीं गए कौन थे, कोई पता नहीं चला। सही में उसका मर्डर नहीं हुआ, मूसा वाले ने अपनी बलि दी शैतान को। ये लोग शैतान के साथ लिखती रूप में करार करते हैं, उसके साथ वाचा बांधते हैं कि मैं मेरी आत्मा तुझे बेचता हूँ। मैं जितना भी बोल रहा हूँ उतना आप गूगल पर सर्च कर सकते हो और आज तक कितने लोगों ने आत्मा बेची है वो आपको दिखाई देगा, पता चलेगा। बिंदास से बोलते वो लोग इंटरव्यू में पक्का बताते कि हाँ हमने शैतान को अपना आत्मा दिया हुआ है। वो लोग क्या समझते हैं कि हम इस तरह से करेंगे, फिर शैतान उनको बताता है कब तुझे किस तरह से मरना है। सिंगर हो तो इस तरह गाना लिख देता है, एडवांस में लोगों को बता देता है मेरे साथ ऐसा होगा, कोई मर्डर नहीं उसका, ये बलि है उसकी। ऐसे कई लोगों के साथ होता है। ये जो था माइकल जैक्सन, उसका भी मर्डर नहीं हुआ, उसने बलि दे दी अपनी। इनका मानना ऐसा है कि इस तरह शैतान के पास बहुत सारी आत्मा जमा होगी क्योंकि हमने शैतान को आत्मा बेच दी। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है कि इंसान को एक बार मरना, उसके बाद सीधा उसका न्याय होना। चाहे कोई शैतान को अपना आत्मा बेच भी दे तो भी शैतान उसको रोक नहीं सकता, वो आत्मा डायरेक्ट परमेश्वर के पास जाएगी और परमेश्वर उसके काम के अनुसार उसको बदला दे देंगे। तो शैतान के पास कोई आर्मी नहीं बढ़ने वाली, और बढ़े तो भी हमारे परमेश्वर में इतनी ताकत है कि उसको आसानी से एक ठोक मार कर ही उसको ख़त्म कर देंगे। लेकिन इस तरह से लोग आर्मी बढ़ा रहे, मालूम है ये लोग बाल को बच्चे वो देते उसको बलिदान करते हुए। देखो ये बाल और उसके हाथ, देखो उसकी जो मूर्ति उसके हाथ ऐसे। और जब बलि देनी होती थी तो इस तरह से, जिस तरह से फोटो में दिखाया, वो बच्चा उसके हाथों पर रख दिया जाता था और उसके नीचे जो जगह है वहाँ पर लकड़े रखकर आग जला दी जाती है। इस तरह से होम बलि ये बाल को देते। और बाइबल में देखना कई राजा लोगों ने ऐसा किया है, ऐसा बाइबल में लिखा है, जो परमेश्वर को मानते थे। लेकिन ये बाल वही शैतान है। और आज अमेरिका में ऐसा कहा जाता है कि एक दिन में, मेरे ख्याल से एक दिन में या प्लस माइनस हो सकता है, 2200 बच्चे गुम हो जाते और फिर मिलते ही नहीं, मालूम नहीं वो सब कहाँ पर जाते हैं। लेकिन हो सकता है इसी बाल को मानने वाले लोग उसको खुश करने के लिए उसको बलि देते होंगे। साल में एक बार इनकी मीटिंग होती है और मीटिंग होती है अमेरिका का एक इलाका है एरिया 51, वहाँ पर कोई जा नहीं सकता, गूगल मैप पर उसका नाम नहीं आ सकता, लेकिन है बड़ी जगह, उसके बारे में भी आप सर्च कर सकते हो, सब कुछ आपको दिखाई देगा। और वहाँ पर जब मीटिंग होती है बहुत गुप्त रीति से होती है, लेकिन वहाँ पर पुरुष पुरुष से व्यभिचार करता है, पुरुष स्त्री के कपड़े पहनकर वहाँ पर नाच गान होता है। वहाँ पर मेरे ख्याल से स्त्रियों को एंट्री नहीं है, लेकिन वहाँ पर ये सब कुछ चलता है। और वहाँ बाल को उस वक्त बलि भी दी जाती है, और जब बलि दी जाती है तब वो लोग म्यूज़िक इतना फास्ट कर देते हैं, ज़ोरों से कर देते हैं ताकि बच्चा जो चिल्लाता है वो पता ना चले। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य
उसका दूसरा अध्याय और वचन 20। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस इजेबेल को सहन करता है जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे आगे के बलिदान खाने को सिखलाती है और भरमाती है। हाँ, ये बाइबल में भी लिखा है। और देखो, ये तो इजेबेल मर चुकी उसके बाद की बात है, ये तो प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, मतलब अंतिम दिनों की बात है कि अंतिम दिनों में ये बाल की आत्मा इजेबेल काम करेगी। और देखो, ये सब कुछ हो रहा है। ये अभी मैं आपको कोई मैसेज नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आपको मैं सिर्फ अभी जो होने वाला है और होने ही वाला है उस बात को मैं आपको बता रहा हूँ। ये बड़े बड़े लोगों का एक टारगेट है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बड़े बड़े लोगों का टारगेट है, मसीह के विरोधी को खड़ा करना उनका टारगेट है, बस्ती को कम करना लड़ाई के जरिए, देश देश के बीच में लड़ाई कर धर्म के नाम पर लड़ाई कर वायरस को फैला कर, ये सब कुछ इनका टारगेट है। और वो लोग यही चाहते हैं कि ऐसी ही दुनिया बन जाए। कैसी दुनिया? कि सब बाल को मानने वाले और स्त्री स्त्री पुरुष पुरुष जो भी करना चाहे वो कर सकते। और अगर मैं बाइबल के हिसाब से बोलूँ तो लोग ऐसी दुनिया बनाना चाहते जैसी मिस्र में थी। मिस्र का देवता यही एक, और मिस्र में क्या था? एक महासत्ता मिस्र की प्रजा, और दूसरी कौन सी प्रजा थी मिस्र में? इज़राइल प्रजा। क्या थी वो? गुलाम। ये दो ही प्रजा रखना चाहते, एक सिर्फ बड़े बड़े लोग और दूसरे सिर्फ गुलाम लोग, ये बीच वाले सारे नाश हो जाएंगे, उनको रखना ही नहीं चाहते। ऐसी दुनिया एक बार फिर ये लोग बनाना चाहते, एक राज करने वाले लोग और इज़राइल प्रजा की तरह, जिस तरह से वो लोग मिस्र में गुलाम थे वैसे ही एक गुलाम प्रजा। और मालूम है हम सभी को गुलाम बनाने का प्रयत्न या तो प्रैक्टिस इन लोगों ने कर ली जब कोरोना आया था, जबकि कोरोना नाम की सही में कोई बीमारी नहीं थी, फिर भी कोरोना नाम की बीमारी चलाई। इतना ही नहीं, आपको थाली बजाने को बोला, लोगों ने थाली बजाई, आपको बोला घर की लाइट बंद करो, टॉर्च चलाओ, दिया जलाओ, मोमबत्ती जलाओ, मोबाइल की टॉर्च चलाओ, सभी लोगों ने किया। वो ट्राई कर रहे थे कि गुलाम है कि नहीं, हमारा कहावा करते हैं कि नहीं, क्या होने वाला था इससे, लेकिन सब कुछ हुआ। लॉकडाउन किसको पसंद था? हुआ लॉकडाउन। ये गुलामी थी हमारी कि उन लोगों ने देखकर देख लिया कि सही में लोग गुलाम है या नहीं है। रॉकेट लगवाया कि इससे आप कोरोना से बच सकते हो, जिन जिन लोगों ने लगाया उनमें से भी कई लोग मर गए। अब रॉकेट बनाने वाली कंपनी बोलती है कि इसमें साइड इफेक्ट है, इससे ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है और हार्ट अटैक भी हो सकता है और इंसान मर सकता है। ये सारा इनका खेल था, कैशलेस। क्या कभी सोचा था कि बिना कैश हम सब कुछ कर सकते? आज होने लग गया सब कुछ। ये सब कुछ इनका टारगेट था, इन्होंने किया। इनकी ये सारी तैयारी थी, है और रहेगी। कौन आवाज़ उठा रहा है इनके विरोध में? कोई भी तो आवाज़ नहीं उठा रहा है। और एक बात समझ लेना कि फिर भी इज़राइल लोग उस गुलामी से आज़ाद हो गए थे, जो परमेश्वर के लोग हैं वो तो फिर भी बचाया जाएगा। और इसलिए इन लोगों ने अब एक नया सूत्र बनाया है, वन वर्ल्ड वन नेशन वन फैमिली, मतलब पूरी दुनिया, अभी दुनिया नहीं, एक दुनिया एक देश बन जाएगी और एक फैमिली बन जाएगी। बस एक दुनिया एक देश एक फैमिली, बस उसमें दो लोग रहेंगे, एक फैमिली के मेंबर और दूसरे घर में काम करने वाले नौकर गुलाम लोग। ये सब कुछ हमारे सामने ऐसे ही नहीं हो रहा, पूरा इरादे के साथ हमारे सामने हो रहा है। और पिछले दिनों में मोदी जी ने एक बहुत बढ़िया बात बताई, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। सभी लोग सुनते हंसते, कोई मजाक करता है, कोई सीरियसली लेता है, लेकिन सीरियसली भी किस तरह से?
वो नहीं पता चलता है। उन्होंने बोला मैं बायोलॉजिकल नहीं, मतलब मैं ऐसे नहीं पैदा हुआ, मुझे किसी खास काम के लिए परमात्मा ने भेजा है, मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी है, मुझे कोई काम वो करना है। ये सिर्फ यही बायोलॉजिकल नहीं, ऐसा नहीं है, ये बड़े बड़े सारे लोग वो बायोलॉजिकल नहीं है, उनको उनके परमेश्वर ने भेजा है काम पूरा करने के लिए, और वो लोग ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। उन लोगों ने अपना टारगेट बना कर रखा है और टारगेट के हिसाब से वो काम कर रहे हैं। लेकिन प्रभु सुने तो यिर्मयाह को भी बोला था कि यिर्मयाह तू तेरी माँ के पेट में था तभी से मैंने चुना था, मैं तभी तुझे पवित्र किया था, और मैंने तुझे इस प्रजा के ऊपर भविष्यवक्ता नियुक्त किया है। तो प्रभु सुने भी बोला तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और मैंने तुम्हें ठहराया, तो हम भी कौन सा बायोलॉजिकल है, हम भी पैदा होने से पहले हमारी माँ के पेट में थे तभी से हमारा परमेश्वर ने चुना है, बायोलॉजिकल तो हम भी नहीं है, हमें भी तो परमेश्वर ने कोई काम दिया। लेकिन अफसोस आज के विश्वास इस बात में सीरियस नहीं है। 3-4 संडे पहले मैंने बोल दिया था आज ऐसी प्रार्थना करो कि आपको काम मिल जाएगा, वही के वही आप लोगों, इससे तो ये शैतान के लोग अच्छे कि कम से कम आप टारगेट तो मानते कि मुझे काम करना है, समय से पूरा करना है, करते तो है ईमानदारी से। जो शैतान को अपना परमेश्वर मानते और जिस जो घमंड करते कि मेरा परमेश्वर सच्चा, क्या कर रहे हैं उनके लोग, कहाँ है वो बात। अरे एक बार बोले तो ठीक है, 10 बार बोले तो ठीक है, बार बार घर पर जाकर टारगेट सेट कर कराए तो भी काम नहीं होता आप लोगों से, क्या करोगे आने वाले दिनों में, नर्क के लिए तैयारी कर रहे हो क्या, इतना सारा वचन जाने के बाद करते क्या आप लोग, क्या जीवन है आपका, कौन सा टारगेट। अभी सिर्फ आज 7वां दिन है, पिछले संडे सीखे टारगेट बनाना है, परमेश्वर का काम करने की इच्छा भी तो होनी चाहिए, इच्छा हो तो टारगेट बने, इच्छा हो तो प्रार्थना हो। अफसोस ऐसे विश्वासी लोगों पर, बस गए आए सुना निकाल दिया, ऐसे तो कुत्ते भी जीवन जीते बिना टारगेट, तो गाय बैल भी बिना टारगेट तो जीवन जीते, हम उनमें कोई अंतर ही नहीं, क्या हम इंसान नहीं। ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हुआ, मोदी जी ऐसे ही नहीं आए, तांडव होगा मालूम नहीं कैसे कैसे हालात हो गए, आप अभी भी बैठे रहो, ये नहीं पता चलता कब मेरे प्रभु आएंगे, मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं कब आत्मा जीतकर बताऊंगा। 2-4 गाने गाए, थोड़ा सा नाच लिया, क्या प्रभु हम तो बहुत आत्मा सच्चाई से आराधना करते, प्रभु हम तो अच्छे से वचन पढ़ते, फल कहाँ है, रिजल्ट कहाँ है, पढ़ते तो बहुत है पास कौन सा होते, ये सब कुछ हो रहा है। अपने आप को धोखा मत दो, धोखे माज मत दो, जो सुनते हो उसको मानना शुरू करो, उसके हिसाब से काम करो। हालेलुया।